हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आर फ्रेग्रेंसेस यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले अनबॉक्सिंग हमीदी के एडिक्टेड इंटेंस परफ्यूम की, जो कि 120 ml में अवेलेबल है। और दोस्तों, ये पफा कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। बॉक्स की पैकेजिंग की बात करें तो नॉर्मल क्वालिटी का बॉक्स है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सीरियसली। और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टर्लिंग परफ्यूम्स का होलोग्राम। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमीदी जो ब्रांड है ये अरमव की ही पेरेंट कंपनी है। मतलब अरमव भी एक हाउस के अंदर आता है, जो है दी हाउस ऑफ स्टर्लिंग। तो दी हाउस ऑफ स्टर्लिंग में अरमव कंपनी आती है, और अरमव कंपनी के अंदर आती है हमीदी कंपनी। तो दोस्तों, ये पेरेंट कंपनी अरमव की, ऐसा नहीं है कि अरमव से अलग है, ये अरमव की ही पेरेंट कंपनी है। बट ये आपको ये फ्रेग्रेंस कम प्राइस में अफोर्डेबल आपको दे रहे हैं, क्योंकि जो अरमव के क्लब्ड इन इंटेंस मैन है वो काफ़ी थोड़े से महंगे हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपको प्राइस भी कम दे रहे हैं और क्वांटिटी भी ज़्यादा दे रहे हैं, और ऊपर से आपको पफा कंसंट्रेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कैसी है इसकी जूस क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, किस वेदर के लिए अप्रोप्रिएट है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। चलिए जल्दी से अनबॉक्स करके बॉटल को बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों, हमने बॉटल बाहर निकाली है। बॉटल देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, बहुत सुंदर है। बॉक्स इतना अच्छा नहीं लगा मुझे सीरियसली, बट इसकी बॉटल बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं, 120 ml आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे से आप देख सकते हैं इसका एक स्टिकर पफा 120 ml इस पर लिखा हुआ है, और इसकी बैक डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं, जो कि ईजिली शायद आप देख ना पाएं। और बैक साइड से देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से बनाई गई बॉटल है। इसकी कैप भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, कैप काफ़ी टाइट है, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हैवी कैप है, मेटलिक कैप लग रही है ये, बहुत अच्छी कैप है। अब इसकी स्प्रेयर क्वालिटी भी हम चेक कर लेते हैं स्प्रे करके। अरे वाह, स्प्रेयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जूस क्वांटिटी कम निकल रही है लेकिन वाइड मिस्ट है, और इसका स्प्रेयर भी काफ़ी स्मूथ है। और दोस्तों, इसकी फ्रेग्रेंस को अब स्निफ कर पा रहा हूँ मैं। इस फ्रेग्रेंस के बारे में क्या ही कहना, ये सब जानते हैं कि ये माइटी क्रीड एवेंटस का सबसे अच्छा क्लोन आप कह सकते हैं इसे अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों ये क्रीड एवेंटस से इंस्पायर्ड परफ्यूम है, क्रीड एवेंटस का अच्छा क्लोन है। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस को मैं फील कर पा रहा हूँ। मैं आपको इसकी फ्रेग्रेंस की नोट्स की बात करूँ तो इसमें स्मोकी लेदर नोट्स को फील कर पा रहा हूँ, और वो पाइनएप्पल का टच और वो बर्च की नोट वो सब फील कर पा रहा हूँ, जो आपको क्लब्ड इन इंटेंसमेंट में देखने को मिल जाती हैं, स्निफ करने को मिल जाती हैं। अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस हो गया, अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस हो गया, अलरमेन का लेवेंचर इंटेंस हो गया, सीडीनिम पफा हो गया, मतलब वही नोट्स को मैं फील कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये भी बहुत अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। अगर कोई अफोर्डेबल प्राइस में ढूंढ रहा है कि हमें अच्छा क्लब्ड इन इंटेंस मैन जैसी फ्रेग्रेंस मिल जाए कम प्राइस में, तो आप हमीदी एडिक्टेड इंटेंस बिल्कुल ले सकते हैं। ये आपको अच्छे प्राइस में मिलेगा, 3 से 3,500 के बीच में ये आपको ईजीली मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। वेदर की बात करें तो ये वर्सेटाइल परफ्यूम है, आप इवन इसे सर्दियों में भी लगा सकते हैं, बट सर्दियों में थोड़ा सा ये कम प्रोजेक्ट होगा, थोड़ा सा कम लॉन्ग लास्टिंग लगेगा, बट जो इसका एप्रोप्रिएट वेदर है वो रहेगा स्प्रिंग, समर और फॉल का। तो आप इन 3 सीजन में इसको बिल्कुल बेझिझक लगा सकते हैं, और ये आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है, और क्रीड एवेंटस का क्लोन है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलने ही वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो हमीदी एडिक्टेड इंटेंस की। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।